एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ रश्मि फूड प्लाजा में। तो आज की जो रेसिपी मैं आप सभी के सामने लाने वाली हूँ, कपड़े देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि ये सर्दी में हम ज्यादा खाते हैं, तो वो क्या है? वो है गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मेहनत का काम होता है, तो हम सब भागते हैं उससे। क्या अरे इतना ताम झाम नहीं करना है, सबको पसंद भी है पर काम भी नहीं करना है, तो क्यों ना एक रेसिपी को हम इतना ईजी बना दें कि आपको बनाने में भी ज्यादा मेहनत ना हो और खाने में भी मजा आ जाए। गाजर के हलवे के लिए ज्यादा इंग्रेडिएंट्स, बेसिकली हमें क्या चाहिए? गाजर, दूध और शुगर और घी। अगर ये चार इंग्रेडिएंट्स आपके पास है ना, तो आप इजीली अपने घर में गाजर का हलवा बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम ज्यादा समय आपका जाया नहीं करेंगे, पर इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक मोमेंट में आपको एक नए नए टिप्स की मैं बताऊंगी जिससे आपका ये गाजर का हलवा है वो परफेक्ट बनेगा। प्लीज स्किप ना करें और इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक देखें। तो हम सीधा बढ़ते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की ओर। गाजर को सबसे पहले हम पील ऑफ कर लेंगे। मैंने 1 kg गाजर लिया है। अब हम इस गाजर को क्या करेंगे, क्योंकि हम गाजर को चॉप नहीं कर रहे हैं, तो बेसिकली हमें ये जो स्टार्टिंग है ना रूट का साइड, हमें इसे कट करना है। ये देखिए, ये मैंने रूट निकाल दिया और ये स्टार्टिंग का। और गाजर के हलवे में जो हमें ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि हमें जो गाजर लेना है वो हल्का सा, जो लाल वाले गाजर होते हैं हमें बेसिकली वो गाजर लेना है। और इस गाजर को हम ज्यादा कट नहीं करेंगे, आपका जितना बड़ा कुकर है आप उस हिसाब से कट कर सकते हैं। तो मैं इसको 3 पीस में डिवाइड कर देती हूँ और उसी तरह से हम सारे गाजर को 3 पीस में डिवाइड कर देंगे। एक यहाँ पे कट डाला और एक कट यहाँ। ये देखिए, इस प्रकार से हम सारे गाजर को कट कर लेंगे अपने कुकर के हिसाब से। आपके पास अगर बहुत बड़ा कुकर है तो आप इसको 2 पीस में भी कट कर सकते हो, और अगर आपके पास गाजर छोटी है तो आप कट नहीं भी कर सकते, ये टोटली आपके ऊपर है। ये मैंने इलायची ले लिया है, इसको दरदरा कूट लिया है मैंने, और ये जो इलायची के पत्ते हैं हम इसको कब यूज करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी, इसलिए आप पूरा वीडियो देखें। इतना इजी रेसिपी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जहां आपको मेहनत बहुत कम करना है और टेस्ट आपको एक नंबर आएगा, ये मेरा दावा है। तो इसलिए आप ये रेसिपी को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखें। ये मैंने कुकर लिया है, अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। अब इसमें हम जो डालेंगे वो है ये देसी घी 2 टेबल स्पून। अब हम इसमें डालेंगे ये इलायची के जो पत्ते हैं, इसको मैंने अलग कर लिया है, हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि वो जब हम गाजर को भूने तो ये इलायची के पत्ते का फ्लेवर गाजर के अंदर इनहांस हो जाए। घी को बहुत ज्यादा गर्म मत कीजिएगा वरना घी का फ्लेवर चला जाएगा तो फिर मजा ही नहीं आएगा, तो इसलिए घी को बिल्कुल लो फ्लेम में हम घी डालेंगे। तुरंत बाद हम ये डालेंगे इलायची के पत्ते। अब हम इसके अंदर डाल देंगे गाजर को। इस गाजर को हम 8 से 10 मिनट तक भूनेंगे इस घी में। जैसे ही हम गाजर डालेंगे हम उसी टाइम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, अगर ये आपके पास होगा तो इसका फ्लेवर और इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। ये मैंने केसर ले लिया है, क्योंकि 1 किलो गाजर है इसलिए मैं 10 से 12 पीस केसर का इसके अंदर तुरंत डाल दूंगी, ताकि जो हमारा गाजर का हलवा का कलर है वो भी अच्छा आए और इसके जो स्वाद है वो भी केसर से और ज्यादा अच्छा आए। ये उन मम्मियों के लिए रेसिपी है जिनको एक्चुअली बहुत मेहनत है उसको घिसना और फिर बनाना, क्योंकि मैं खुद वैसा नहीं करती हूँ, मुझे बहुत आता है घिसने में, पर स्वाद भी इतना ही आता है गाजर का हलवा खाने में। तो फिर क्यों ना हम इजी रेसिपी इजी तरीके से गाजर का हलवा बनाएं और सेम स्वाद के साथ एंजॉय करें। हम बिल्कुल लो फ्लेम में ही हम इसको ऐसे भूनते जाएंगे घी के साथ, ताकि जो घी का फ्लेवर है वो इस गाजर में बहुत अच्छे से इनहांस हो जाए, इसलिए हम घी के साथ इसको 10 मिनट तक भूनेंगे। और मैंने इसमें एक भी ड्रॉप पानी का यूज नहीं किया है और ना ही यूज करूंगी, तो आपको लग रहा होगा ये गलेगा कैसे, इसके लिए भी एक टेक्निक है जिससे ये गल जाएगा। ये मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे वो मेन इंग्रेडिएंट, एक्चुअली मेन नहीं है बट उससे हमारा जो ये गाजर है उसको गलाने में वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और टेस्ट भी आने नहीं देगा, ये है नमक। अब आपको लग रहा होगा कि हम नमक डाल रहे हैं तो इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर भी आएगा इसके अंदर, तो बिल्कुल भी नहीं। बेसिकली नमक जो है वो और टेस्ट को इनहांस करेगा, तो गाजर का हलवा का टेस्ट और ज्यादा बढ़ाएगा। और जो हम बिना पानी का हम इसको गलाने का कोशिश करेंगे इसमें भी ये बहुत बड़ा हेल्प करेगा हमें, ये पानी निकालेगा गाजर का, क्योंकि गाजर के अंदर भी वाटर होता है बेसिकली, इसलिए हम 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम इसके अंदर डालेंगे। 1 किलो गाजर यूज कर रही हूँ इसलिए मैं 1/2 टीस्पून यूज कर रही हूँ, आप अगर 1/2 किलो गाजर यूज करेंगे तो आप 1/2 टीस्पून से उसका 1/2 यूज करें, बेसिकली 2 चुटकी।
अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये 10 मिनट मैंने इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया है। नमक डालने के बाद हम इसे 2-3 मिनट ही इसको ऐसे पकाएंगे बिना पानी डाले। इसके ऊपर विसिल लगा देंगे, 2-3 सीटी आने का वेट करेंगे। और जो फ्लेम होना चाहिए वो लो से थोड़ा सा ज्यादा ही रखें, उससे ज्यादा बिल्कुल भी ना रखें वरना वो नीचे से जलने लगेगा। ये मैंने विसिल लगा दिया है, अब 2-3 विसिल आने का वेट करेंगे। और अब जब तक विसिल आता है तब तक हम दूध को बॉईल कर लेते हैं। दूध बॉईल करेंगे, ये मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। इसको हम 5-10 मिनट लो फ्लेम पे ही बॉईल करेंगे और इस दूध को 1 लीटर से थोड़ा सा कम रखेंगे। इसको साइड से ऐसे निकालते जाएं। ये दूध मैंने 10-15 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है। अब हम एक बार चेक करेंगे इसको। ये देखिए गाजर जो है वो अपना पानी भी छोड़ दिया है और मैं आपको अब एक बार चेक कराऊंगी। ये फॉग लिया है मैंने, एक बार चेक करेंगे। ये देखिए इजीली कट रहा है हमारा जो गाजर है वो 90% कुक हो गया है, 100% नहीं हुआ है। बाकी का जो 10% है वो दूध के साथ कुक हो जाएगा। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसी बर्तन में ही हम गाजर का हलवा बनाएंगे। एक मैशर की हेल्प से बिल्कुल हल्का हल्का हमें मैश करना है। इसको पूरा मैश ना करें वरना वो कलर और वो जो टेक्सचर है वो नहीं आएगा इसमें। बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसको 70% आप इसको ऐसे मैश कर दें। हम साइड में रखेंगे और हम इसकी हेल्प से आप इसको बाकी के मैश करेंगे। आपको लग रहा होगा ये इतना मोटा मोटा, पर ये इतना मोटा मोटा बचेगा नहीं क्योंकि अभी हमें दूध के साथ भी पकाना है। जो दूध को मैंने बॉईल किया था उस दूध को 1 लीटर से थोड़ा सा कम होने तक ही पकाएं। बेसिकली 15-20 मिनट से ज्यादा उस मिल्क को ना पकाएं। इस पानी को हमने पूरा सुखा दिया है, जो गाजर का पानी था उसको मैंने पूरा अच्छे से के साथ ही मैश करके पूरा सूख चुका है। अब हम इसके अंदर जो गैस का फ्लेम होगा वो बिल्कुल स्लो करेंगे और इसके अंदर हम दूध डालेंगे। अब इस दूध को हम तब तक पकाएंगे जब तक पूरा जो हमारा गाजर है वो पूरा सोख ना कर ले दूध को। और गैस का फ्लेम आप मीडियम टू हाई कर सकते हैं। अभी ये देखिए 60-70% दूध एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये ड्राई ना हो जाए। और ये देखिए पूरा अच्छे से मैश भी हो गया है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो बड़ा गाजर रहता है उसके जो लम्स रहते हैं वो अगर ऊपर आ रहा है, आप उसको चाहो तो आप निकाल भी सकते हो। अगर आप चाहो तो उसको इसके अंदर मैश भी कर सकते हो। इसको चलाते रहे बट, नहीं तो वो नीचे से चिपकने लग जाएगा। तो 3-4 मिनट और इसको अच्छे से इसी में भूनेंगे क्योंकि जो हमारा हलवा है जो अभी हम भून रहे हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ भूनेंगे क्योंकि चीनी डालने के बाद हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। चीनी डालने के बाद कोई मतलब ही नहीं बनता है भूनने का। तो अभी जितना भून सकते हैं आप, जितना इसको अच्छे से पका सकते हैं आप इसको पका लें। एक बार चीनी आपने डाल दिया तो आपका हलवा 2-3 मिनट में रेडी हो जाएगा जब तक चीनी डाइल्यूट नहीं होता। इसीलिए आप अभी इसको 5-10 मिनट और अच्छे से भून लें। ये देखिए ये बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये मैंने इसको कद्दूकस नहीं किया है, इसको ग्राइंड नहीं किया है। मिक्स हो चुका है दूध के साथ और अच्छे से पक भी गया है दूध में। ये देखिए ऐसा पतला सा एक स्किन टाइप का अगर आपको दिख रहा है और आपको लग रहा है इसको हटाना चाहिए तो आप इसको बिल्कुल इजीली हटा के फेंक सकते हो क्योंकि जो वो मोटे गाजर होते हैं ना उसकी स्किन थोड़ी सी ज्यादा, जो अंदर का व्हाइट वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा मोटा होता है, इसीलिए ये हलवे में ऐसे दिख रहा है। आप चाहो तो इसके अंदर अच्छे से, आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से दूध और गाजर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपने ड्राई फ्रूट्स। ये मैंने बादाम, काजू और किशमिश लिया है। इसको मैंने हल्का सा घी में रोस्ट कर लिया था। ये देखिए अब हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल देंगे और ये सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2-3 टेबलस्पून घी ताकि वो घी में जो भी थोड़ा बहुत दूध का लम्स है वो भी ना रहे और घी और दूध और गाजर और ड्राई फ्रूट्स सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये मैंने उसी पैन में जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था उसी पैन, तो मैंने 2-3 टेबलस्पून घी को मेल्ट करके हम इसमें डाल देंगे। ये मेल्टेड घी है, आप मेल्टेड घी ही डालें इसके अंदर। अब ये सारी चीजें घी और दूध और गाजर अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये मैंने 4-5 मिनट घी में भून लिया है।
आप चाहो तो आप घी ज्यादा डाल सकते हो। मैं थोड़ा सा घी एंड शुगर थोड़ा कम डालती हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा घी कम डाला है। आप चाहो तो 3 टेबलस्पून की जगह आप 5 टेबलस्पून घी डाल सकते हो। अब हम इसके अंदर डाल देंगे शुगर को। शुगर टोटली आपके गाजर के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपके टेस्ट के ऊपर भी, बट मैं फिर भी आपके टेस्ट के हिसाब से और मैं अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा इस बार ज्यादा डाल रही हूँ शुगर, क्योंकि गाजर का हलवा अगर मीठा ना हो तो मजा ही नहीं आता है। तो ये मैंने 1 कप शुगर लिया है 1 किलो गाजर के हलवे के हिसाब से। अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। और 1 से 2 मिनट हम बस तब तक इसको इसके अंदर पकाएंगे जब तक पूरा शुगर जो है वो अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। 1 से 2 मिनट हम मैंने इसको अच्छे से भून लिया है चीनी के साथ भी, चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर, ये ऑप्शनल है क्योंकि टेस्ट और फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आता है, मैंने लिया है ये खोआ 100 ग्राम के आसपास। मैं इसको बस ऐसे मैश करके डाल दूंगी और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि खोआ डालने के बाद हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। ये जो इलायची है, दरदरा इलायची या इलायची पाउडर, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी ताकि वो फ्लेवर और अच्छा आए। और फिर हम इसको बंद कर देंगे। खोआ के साथ ही इलायची पाउडर डालना है, ये आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें, और फिर बंद कर दें गैस का फ्लेम, क्योंकि ये खोआ जो है वो खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा इसमें। अब मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। ये जो मेरा झटपट गाजर का हलवा है वो बनके तैयार हो गया है, और ये टेस्ट में कैसा है ये आप बताएंगे खुद के घरों में बना के। तो अब चलते हैं हम इसको सर्व करने के लिए। गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है। तो अब मैं तो जा रही हूँ इसको खाने, और मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ खाऊंगी। तो आप भी अपनी पूरी फैमिली के लिए गाजर का हलवा जरूर बनाएं, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये गाजर का हलवा कैसा लगा, आपने ट्राई किया कि नहीं किया। और प्लीज ट्राई करें, और तभी आप मुझे सजेस्ट कर पाओगे या आप मुझे बता पाओगे कि मेरे रेसिपीज में क्या कमियां हैं, तो उस चीज को मैं सुधारूंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी अपनी फैमिली के साथ इतना क्विक एंड इजी गाजर का हलवा का रेसिपी वो भी बनाए और वो भी इंजॉय करें। तो लेती हूँ आप सभी से अलविदा। आप मेरे इस वीडियो को भरपूर प्यार और भरपूर सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपी और ज्यादा बना के लेता हूँ। थैंक यू सो मच।